ये वीडियो साइंस क्लास 7 चैप्टर 6 का हमारा नेक्स्ट पार्ट है। पहले दो पार्ट्स को आप जरूर पढ़ें। तो ये थर्ड पार्ट है, हम लोग पढ़ रहे थे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया, उसके बाद केमिकल चेंजेस भी हम लोगों ने पढ़ा। और केमिकल चेंजेस में हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया था और इसके बाद अब हम आगे की ओर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ कुल मिला के आपको बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस और सारी चीजें आपको पढ़नी है और बहुत सारे चीजों को आपको याद करना है, क्योंकि ये केमिस्ट्री है, आपको मैक्सिमम चीज को याद करना है। तो जैसे मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूं, आप नोट्स बनाते जाइए और उसको याद करते जाइए। अब यहां पर देख सकते हैं एक डेमोन्स्ट्रेशन है जो कि आपको करना भी है और इसमें जो बातें लिखी गई हैं उसको आपको याद करना है। तो यहां पर लिखा गया है डिजोल्व अबाउट अ टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट आपको लेना है और उसको डिजोल्व करना है इन अबाउट हाफ अ कप ऑफ वाटर इन अ ग्लास टम्बलर और अ बीकर। तो एक बीकर लेना है और उसमें आपको कॉपर सल्फेट को घुलाना है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहां पर एक बीकर है जिसमें आपको पानी लेना है और कॉपर सल्फेट को घुलाना है। तो यहां पर ये जो बातें हम लोगों ने पढ़ी इसी में से कई क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। तो सबसे पहला कॉपर सल्फेट आप देख सकते हैं, कॉपर सल्फेट को हम लोग क्या बोलते हैं, CuSO4। ये हो गया कॉपर सल्फेट। और ये जो कॉपर सल्फेट है उसे हम लोग कहते हैं ब्लू विट्रियोल। क्या बोलेंगे, ब्लू विट्रियोल, और उसी को हम लोग नीला थोथा के नाम से भी जानते हैं। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि ब्लू विट्रियोल किसे कहते हैं या फिर नीला थोथा किसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर में आप क्या लिख सकते हैं कि कॉपर सल्फेट को कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है, तो इसका कलर होता है ब्लू, जैसे मैंने आपको दिखाया। अब इसमें आपको कुछ ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। तो अब आप बोलेंगे डाइल्यूट क्या होता है, तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिड बेस चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया कि सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसमें जब आप पानी मिला देंगे तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द सॉल्यूशन, यू शुड गेट अ ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन। और आपको कैसा कलर मिल रहा है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन। तो आपको पता है कि यदि आपसे पूछा जाए कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसा होता है तो आपको आंसर करना है ब्लू होता है। सेव अ स्मॉल सैंपल ऑफ द सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। तो अभी आपने यहां पर ब्लू सॉल्यूशन लिया, अब इसमें से कुछ मात्रा को आपको यहां पर ब्लू सॉल्यूशन का यहां पर आपको रख लेना है और बाकी के लिए क्या करना है वह आप यहां पर देख सकते हैं। तो बाकी में आपको ड्रॉप अ नेल और अ यूज्ड सेविंग ब्लेड, बाकी में आपको एक सेविंग ब्लेड डाल देना है जो कि आयरन का होगा। मतलब इसमें आप क्या करेंगे, आयरन का एक सेविंग ब्लेड को डाल देंगे। तब आप देखेंगे कि यहां पर केमिकल रिएक्शन होगा। ये है आयरन आप देख सकते हैं और ये है कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट से आयरन क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और यह जो सॉल्यूशन है उसको बना देगा आयरन सल्फेट, जिस कारण से अब ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, ब्लू था पहले और अब ये हो जाएगा ग्रीन। तो आप देख सकते हैं यहां पर क्लियरली दिखाया गया है, ये था ब्लू कॉपर सल्फेट, इसमें आपने आयरन का एक कोई भी आर्टिकल डाल दिया, तो यहां पर एक ब्लेड को डाला गया और जैसे ही आयरन का ब्लेड आप डालेंगे तो इस सॉल्यूशन का कलर क्या हो गया, ग्रीन। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि ये जो ब्लू कलर है वह किस चीज का है, तो आप बोलेंगे कॉपर सल्फेट। क्या बोलेंगे, कॉपर सल्फेट। तो यदि मैं पूछूं कि ये ग्रीन कलर किस चीज का है, तो इसे बोलेंगे आयरन सल्फेट। क्या बोलेंगे, आयरन सल्फेट। तो यहां से ये आयरन सल्फेट कैसे बना, तो ये जो आयरन है वह कॉपर का जगह ले लेगा, यानी कि आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा और खुद यहां पर आ जाएगा और ये बन जाएगा फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन जो कि होता है ग्रीन इन कलर, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसा होता है, ब्लू इन कलर। तो इस तरीके से आपने देखा यहां पर कौन सा चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज, और इसे ही हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या बोला जाएगा, केमिकल रिएक्शन, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं पहले था कॉपर सल्फेट, अब नया पदार्थ बन गया आयरन सल्फेट। तो सोचिए यहां पर नया केमिकल बन गया, और जब भी नया केमिकल बनता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वहां पर केमिकल चेंज हुआ है। तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां लिखा हुआ है, इस इक्वेशन को आपको याद करना है कि कॉपर सल्फेट जिसका कलर है ब्लू, उसमें आयरन डाल दिया गया तो बन गया आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। तो यहां से अब आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट हैपेंस व्हेन आयरन रिएक्ट्स विथ कॉपर।
क्या होता है जब आयरन कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करता है, तो आंसर में आपको बोलना पड़ेगा आयरन सल्फेट एंड कॉपर इज फॉर्म्ड, आयरन सल्फेट एंड कॉपर इज फॉर्म्ड, और इसको आपको यहां पर लिखना होगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि कॉपर कहां पर बना है, तो यहां आप देख सकते हैं कि यहां पर ये जो लोहे का आयरन था उसके ऊपर कॉपर चढ़ गया है, ये देखिए इस कलर, इस कारण से इसका कलर क्या हो गया है, ब्राउन हो गया है। तो हम लोग यहां पर कहेंगे कि यहां कॉपर भी बना है। तो अब आपको समझ में आ गया ये सारा चीज, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो इसके बाद आपका आ जाता है एक्टिविटी 6.8, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है और इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेक अबाउट अ टीस्पून ऑफ विनेगर, आपको विनेगर ले लेना है, विनेगर को आपको ले लेना है एक टेस्ट ट्यूब में। इस प्रकार से आपने विनेगर लिया, तो यदि मैं पूछूं कि विनेगर क्या होता है, तो विनेगर होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं। तो एसिटिक एसिड को यहाँ टेस्ट ट्यूब में ले लेना है और उसके बाद इसमें पिंच ऑफ बेकिंग सोडा डालना है। तो यदि मैं पूछूं कि बेकिंग सोडा क्या होता है, तो बेकिंग सोडा का मतलब होता है खाने वाला सोडा, और इस सोडा को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस सोडा का नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसका केमिकल नाम होता है। इसमें हम लोगों ने क्या डाल दिया, थोड़ा सा बेकिंग सोडा। अब आप देखेंगे कि यहां पर विनेगर में हम लोगों ने क्या डाला है, बेकिंग सोडा। जैसे ही डालेंगे तो यहां फस कुछ आवाज आएगा, कुछ हिसिंग साउंड आपको आएगा और कुछ गैस के बबल्स आप देख सकते हैं। तो क्या आपको पता है कि ये गैस के बबल्स क्या हैं? तो यहां पर आप इसका आंसर देख सकते हैं, जब विनेगर एसिटिक एसिड में बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को मिलाया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ ही साथ कुछ अदर सब्सटेंसेस भी बनेंगे। लेकिन आपको याद कर लेना है कि यहां पर क्या बनेगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें इसका मतलब यहां बुलबुला के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। तो यहां से देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, विनेगर का नाम क्या है, एसिटिक एसिड। बेकिंग सोडा का केमिकल नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तीसरा क्वेश्चन होगा कि क्या होता है जब विनेगर में बेकिंग सोडा डाला जाता है। तो आपको आंसर करना है कि CO2 निकलता है, एक गैस निकलता है जिसका नाम क्या है, CO2। और भी कुछ पदार्थ बनते हैं तो वो आपको नहीं लिखना है यहां पर, ये CO2 वहां से निकलेगा। तो अब ये जो CO2 निकल रहा है इसको यदि पाइप की मदद से यहां पर आगे बोला जा रहा है कि देख सकते हैं आप यहां पर, सी बबल्स ऑफ अ गैस कमिंग आउट, पास दिस गैस थ्रू द फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड लाइम वाटर। तो इस गैस को कहां डाल देना है, लाइम वाटर में डाल देना है। तो क्या आपको पता है कि ये लाइम वाटर क्या है, तो आप देख सकते हैं यहां पर, थोड़ा मैं दिखा दे रहा हूं उसके बाद बता रहा हूं। ये देखिए, ये हो गया आपका विनेगर, विनेगर में हम लोगों ने बेकिंग सोडा डाला और यहां से गैस निकल रहा है। इस गैस को हम लोगों ने कहां पास कराया, लाइम वाटर में पास कराया। आप देख सकते हैं यहां पर कौन सा गैस निकल रहा है, CO2 गैस निकल रहा है। तो लाइम वाटर का मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखा आपने, एक नया क्वेश्चन आ गया कि लाइम वाटर किसे कहते हैं, तो लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वीडियो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में इससे पूछे जा सकते हैं। तो जब CO2 का रिएक्शन लाइम वाटर से कराया जाएगा तो आप देख सकते हैं यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, साथ ही साथ यहां पर वाटर तो बनेगा ही। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या होता है जब CO2 का रिएक्शन CaOH का होल टू यानी कि लाइम वाटर से कराया जाता है। तो आपको आंसर करना है कि इससे कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, जिसे हम लोग संगमरमर या फिर मार्बल आप जो जानते हैं वह क्या होता है, बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3। तो ये फॉर्मूला भी आपको यदि याद हो जाता है तो याद करते जाइए, और साथ में H2 यहां पर बनता है। When carbon dioxide is passed through lime water, calcium carbonate is formed, which makes lime water milky। और ये lime water को क्या बना देता है, milky, milky, milk के जैसा कलर देता है। यदि आपसे पूछा जाए कि lime water milky कब बन जाता है, तो आपको सीधे आंसर करना है कि जब इसमें CO2 मिलाया जाता है तो lime water क्या हो जाता है, milky बन जाता है। तो प्रत्येक क्वेश्चंस में आपको बताते चल रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज अ
स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यदि आपको देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट कैसे किया जाए, तो कार्बन डाइऑक्साइड को यदि हम लोग CaOH का होल टू में डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मिल्की होगा। तो वह गैस कौन सा है, वह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। यू विल यूज इट इन चैप्टर 10 टू शो दैट द एयर वी ब्रीद आउट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो यदि हम लोग लाइव वाटर को लेंगे और अपने जो सांस हम लोग छोड़ते हैं उसको उस लाइव वाटर में डालेंगे तो वह मिल्की हो जाएगा। तो यह क्या दिखाएगा कि हम लोग जो सांस छोड़ रहे हैं उसमें ज्यादा ज्यादा क्या है, CO2 है। इन एक्टिविटी 6.6 एंड 6.8 हम लोगों ने जो देखा वह किस चीज का उदाहरण है, केमिकल रिएक्शन का उदाहरण है। तो यही केमिकल रिएक्शन का या फिर बोलेंगे केमिकल चेंज का उदाहरण है। अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। तो यहां से आपका आया था केमिकल चेंज किसे कहते हैं, तो केमिकल चेंज किसे कहेंगे, जब नए पदार्थ का निर्माण होगा, वह चेंज जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज, उसे ही हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज। अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल चेंज को ही हम लोग केमिकल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं, केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। आप जानते हैं कि हमारे जीवन में केमिकल चेंजेस का बहुत ही महत्व होता है। ऑल न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। तो जब भी नए पदार्थ बनेंगे, नए केमिकल का निर्माण होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि वहां पर क्या हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, इफ अ मेटल इज टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एन ओर सच एज आयरन फ्रॉम आयरन ओर, वी नीड टू कैरी आउट अ सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस। तो यदि आपको आयरन को किसी आयरन ओर से निकालना है तो उसके लिए आपको एक सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस करने, केमिकल रिएक्शंस कराना पड़ेगा, तब आप आयरन को प्राप्त कर सकते हैं। और मान लीजिए कि दुनिया में केमिकल चेंज नहीं होता तो क्या हम लोग आयरन प्राप्त कर पाते हैं, तो आंसर है नहीं। आपके शरीर में जो भोजन पच रहा है या बोले आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भोजन पच रहा है वह भी किस चीज का उदाहरण है, केमिकल चेंज का उदाहरण है। दूध से दही बन रहा है वह भी किसका उदाहरण है, केमिकल चेंज का उदाहरण है। तो यही बताया गया है कि केमिकल चेंज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि हम लोग मेडिसिन बना रहे हैं तो वह भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस के द्वारा ही नए नए मेडिसिंस को बना रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं केमिकल चेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब यहां से हम लोग देखते हैं, वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल चेंज। इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट्स द फॉलोइंग मेक अ कंपनी अ केमिकल चेंज। तो यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि यदि केमिकल चेंज हो रहा है तो और क्या क्या चीजें बदलाव देखे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल आंसर है। सबसे पहला, हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशंस मे बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब। तो या तो हीट निकलेगा या तो हीट एब्जॉर्ब होगा, इस प्रकार से हो सकता है। लाइट निकलेगा उस चेंज में या फिर लाइट एब्जॉर्ब हो सकता है। तो उस प्रकार का जब चेंज होगा तो उसमें हीट निकल सकता है या एब्जॉर्ब हो सकता है, लाइट निकल सकता है या एब्जॉर्ब हो सकता है, उसमें से कुछ साउंड आ सकता है, साथ ही साथ इसमें कुछ स्मेल आपको मिलेगा, और साथ ही साथ कलर चेंजेस हो सकते हैं और गैस भी निर्माण हो सकता है। तो यदि केमिकल चेंज होगा तो ये बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। तो यदि मैं यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो क्या इसे केमिकल चेंज कहेंगे, तो आंसर है नहीं। लेकिन यहाँ पर जब केमिकल चेंज होता है तो वहाँ भी कुछ साउंड प्रोड्यूस हो सकते हैं, तो ये आपको समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ साउंड प्रोड्यूस हुआ तो इसे बोलेंगे केमिकल चेंज, ऐसा आपको नहीं समझना है। तो कलर चेंजेस, तो कुछ चीज़ों में जैसे कि कलर चेंज हो रहा है तो वह भी किस चीज का उदाहरण हो गया, केमिकल चेंज का उदाहरण हो गया। जैसे कि वहां पर ब्लू कलर ग्रीन में चेंज हो रहा था तो वहां पर वह बता रहा था कि वहां पर क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार से ये पॉइंट्स आपको एकदम रट लेना है। लेट्स लुक एट सम एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखे जा सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फिर से आपके लिए। सबसे पहले आपको एक मैग्नीशियम रिबन लेना है और उसको जलाना है। यदि मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो मैग्नीशियम है उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बन रहा है ये क्या बता रहा है, केमिकल चेंज को बता रहा है। यानी कि यहां मैग्नीशियम का रिबन जल जाएगा और उससे जो राख निकलेगा वह राख क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहां पर यह उदाहरण दिखाया गया है।
तो बर्निंग इज ऑलवेज एकम्पनीड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट। तो जब भी ये बर्निंग रिएक्शन होगा तो आप देखेंगे कि लाइट निकलेगा, हीट निकलेगा, तो वह क्या दिखा रहा है कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। एक्सप्लोजन ऑफ अ फायरवर्क्स इज अ केमिकल चेंज। यू नो दैट सच अ एक्सप्लोजन प्रोड्यूसेस हीट, लाइट, साउंड एंड अनप्लीजेंट गैसेस दैट पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर। दैट इज व्हाई यू आर एडवाइज नॉट टू प्ले विथ फायरवर्क्स। तो अब जब फायरवर्क्स पटाखे जलाते हैं तो आप देख सकते हैं कि वहां पर आवाज भी होगा, वहां पर हीट निकलेगा, लाइट निकलेगा, साउंड निकलेगा, गैसेस भी निकलेंगे जो कि बहुत हमारे नेचर को पॉल्यूट भी करते हैं। तो ये सारा चीज क्या बता रहा है कि वहां पर कौन सा रिएक्शन हुआ होगा, केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। व्हेन फूड गेट स्पॉइल्ड इट प्रोड्यूसेस अ फॉल स्मेल। तो आप देखेंगे कि जब फ्रूट स्पॉइल हो जाता है, सड़ जाता है, उससे फॉल स्मेल आता है, गंदा स्मेल आता है। तो यह भी क्या बता रहा है, यह भी केमिकल चेंज को बता रहा है। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट अ स्लाइस ऑफ एन एप्पल एक्वायर्स अ ब्राउन कलर इफ इट इज नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली। तो यदि आप एक एप्पल को काटेंगे तो उसके टुकड़े को यदि आप कुछ देर छोड़ देते हैं तो आप देखेंगे कि उसका कलर ब्राउनिश हो जाता है। तो एप्पल में क्या होता है, आयरन होता है, और जिस कारण से वह जो एप्पल है उसमें क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, हवा में मौजूद ऑक्सीजन से केमिकल रिएक्शन होगा, जिस कारण से वह क्या हो जाएगा, ब्राउन इन कलर हो जाएगा। इफ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन कलर, कट अ फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल एंड कीप इट अवे फ्रॉम सम टाइम, रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ अ स्लाइस ऑफ पोटैटो और ब्रिंजल। तो आप पोटैटो, ब्रिंजल कुछ भी आप ऐसे रख देते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें रंग उसका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये सारे उदाहरण क्या बता रहे हैं, ये सारे उदाहरण बता रहे हैं कि यदि केमिकल चेंज होगा तो कलर चेंज हो सकता है, कुछ वहां पर हीट निकल सकता है, कुछ लाइट निकल सकता है, और साथ ही साथ वहां पर कुछ गैसेस का इवोल्यूशन भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये यहां तक लिखा गया। इसके बाद आ जाता है प्रोटेक्टिव शील्ड। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द ओजोन लेयर इन आवर एटमॉस्फेयर, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो आप देख सकते हैं कि यहां हमारा जो पृथ्वी है उसके एटमॉस्फेयर में एक ओजोन का लेयर पाया जाता है। तो ये ओजोन लेयर क्या करता है, ये जो सन है, सन से आने वाले यूवी रेज से हमारे अर्थ को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो यदि ये यूवी रेज हमारे अर्थ तक पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर जो प्लांट्स हैं, एनिमल है, उनको ये बहुत हार्म करेंगे। प्लांट्स में अलग अलग प्रकार के डिजीज को फैला सकते हैं, एनिमल्स में अलग अलग प्रकार के डिजीज को फैला सकते हैं। तो हमारा जो अर्थ है उसके एटमॉस्फेयर में ओजोन का एक लेयर है, एक शील्ड है, जो कि हमें क्या करता है, इस यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण आप देखेंगे कि कुछ गैसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं CFCs, जो कि इस ओजोन लेयर को क्या करते जा रहा है, डिप्लीट करते जा रहा है, और वह बहुत ही प्रॉब्लम है हमारे लिए, मतलब कि एक सोचने का विषय है। इसके बाद आप देखेंगे जो ओजोन में है वह O3 होता है, जबकि ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं वह क्या होता है, O2 होता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे पृथ्वी पर यह ओजोन नहीं पाया जाता है क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक होता है, जहरीला होता है। आपको एक चीज और जान के आश्चर्य होगा कि ये जो ओजोन है वह कैसे बनता है, यह ऑक्सीजन, मतलब जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और साथ में ऑक्सीजन का एक एटम, इसी से मिलकर ये ओजोन बनता है। और इसको बनने में जो एनर्जी चाहिए वह कहाँ से आता है, वह सन से ही इसको प्राप्त होता है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपको यहाँ पर दिया गया था। इसके बाद आप देख सकते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इसको हम लोग अपने नेक्स्ट के वीडियो में पढ़ेंगे। तो मैं मिल रहा हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।